पर रिक्वेस्ट है सर आप चेक कर लीजिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से गांव के लिए प्रत्याशी बना हूं, मैंने अपना नामांकन दाखिल किया है। मुझे लगता है कि न सिर्फ गांव के अंदर लेकिन पूरे राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी को अप्रत्याशित बहुमत मिलेगा। वसुंधरा जी की 5 साल की सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो रिपोर्ट कार्ड है, जनता के सामने है। मैं समझता हूँ जो पब्लिक का पिछले 5 साल का इंतजार था, जो निराश थी, नाराज थी और इंतज़ार कर रही थी कब मौका उनको मिले मतदान कर इस सरकार को यहाँ से हटाएं और नई सरकार का निर्माण होगा। मैं पूरा विश्वास मुझे है कि 7 दिसंबर को जो मतदान होगा उसमें कांग्रेस पार्टी को अप्रत्याशित बहुमत मिलेगा। आज मुझे मेरी पार्टी ने यहाँ एक विधानसभा का सदस्य बनने का उम्मीदवार बनाया है। मैं टोंक क्षेत्र की जनता के सामने उनका आशीर्वाद देने के लिए आया हूँ। जो जनसैलाब, जो प्यार, जो आशीर्वाद मुझे अब तक मिला आज के दिन, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि न सिर्फ इस क्षेत्र के अंदर लेकिन समूचे इलाके में लोग कांग्रेस के निशान पर बटन दबाकर हमको आशीर्वाद देंगे। मौका दिया और उस दल ने जनता के साथ विश्वासघात किया और दूसरा दल जो 5 साल तक कांग्रेस पार्टी ने सड़कों पर संघर्ष किया, किसान नौजवान की बात को उठाया और 5 साल के संघर्ष के बाद आज जनता उतारू है कांग्रेस को एक मौका देने के लिए। तो कौन व्यक्ति है, किस जाति का है, किस धर्म का है, मतलब नहीं है। 2 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता सही निर्णय करेगी और 36 कौम के लोग, हर मजहब के लोग,
और विशेष रूप से हमारे किसान भाई और नौजवान आज कांग्रेस के पक्ष में पूरी तरह खड़े हैं। 5 साल का कांग्रेस के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का जो योगदान रहा, उससे हमारे संगठन को मजबूती मिली है। और आज वो मौका आ गया है कि हम आने वाले 7 दिसंबर के बाद जब मतगणना होगी 11 तारीख को, उसमें मुझे लगता है कि जितना बहुमत हमको आज तक नहीं मिला है, उससे ज़्यादा बहुमत कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। कम से कम मेरे यहाँ चुनाव लड़ने से भारतीय जनता पार्टी को वो करना पड़ गया जो वो नहीं करना चाहते थे। मैं यहाँ का उम्मीदवार हूँ क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हूँ, हमने क्षेत्र में काम किया है, मेरा धर्म क्या है, मेरा मजहब क्या है, मेरा नाम क्या है महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता के नाते पार्टी ने मुझे यहाँ मौका दिया है। हमारे भाजपा के जो साथी हैं उनसे मुझे मिला था नामांकन दाखिल करने के बाद में, वो यहाँ क्यों चुनाव लड़ने आए हैं या उनसे पूछिए उनके मन में क्या ग्लानी है, वो चुनाव कहाँ से लड़ना चाहते थे, लेकिन भाजपा की एक नीति थी, उस नीति के तहत उनका टिकट यहाँ से काटा और यहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि मेरी शुभकामनाएं सभी प्रत्याशियों के साथ हैं, प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन अंत का अधिकार जनता के पास है। पब्लिक जिसको वोट देगी वही व्यक्ति जीत कर जाएगा, भाषण देने से, तंग कसने से या छींटाकसी करने से चुनाव नहीं जीता जाता। लोग 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे इस क्षेत्र में, क्योंकि मैं पहले रखता हूँ, हमारा जिला अजमेर है, वहाँ से सांसद रहा हूँ, और मुझे एक पत्रकार ने पूछा था दिन में कि टोंक जिले की पुरानी मांग है या रेलवे लाइन चलाने के लिए, तो मैंने कहा मेरे अजमेर के साथियों से पूछो, जो 40 साल पुरानी वहाँ हवाई अड्डे की मांग थी उसको मैंने पूरा किया, जब अजमेर में हवाई अड्डा बना सकते हैं तो टोंक भी रेलवे क्यों नहीं लगा सकते। इलेक्शन टू आइडियोलॉजीज, टू पोलिटिकल पार्टीज, टू कैंडिडेट्स फ्रॉम द बीजेपी इज नॉट क्लियर, समबडी एल्स हैव चेंज्ड देयर माइंड। But one thing I'm quite happy about, that the kind of politics, the repeat of the Uttar Pradesh model of politics that the BJP wanted to do, somehow my candidate from Tong has changed that and the BJP had to come back on the back foot. I think it's a good sign that we were able to force them not to apply the same tactics they applied to Uttar Pradesh. Here they put up a candidate, I wish him all the very best. I think he's come here with half heart, he wanted to contest from somewhere else. But for no reason, a very powerful minister in the government of Pakistan, Rajiv Nambutta, was denied a ticket from where he wanted to contest and her party. What were the reasons for denying him a ticket from there and making him contest an election from here? Is it development? Is it performance? Is it the demand of the workers from here? Is it demand of the party from here? Irrespective of what they say, the decision of who will contest lies with the BJP. I think the election will be election that the Congress party is set to win. The kind of atmosphere we've seen today, it's very overwhelming. I thank the people of Tong for showing their faith. I hope this will continue and the election should be fought in a good spirit, in a positive atmosphere. Ye ek chunav loktantra ka behtar party jeet kar jayegi, janta ke samne sab masmastak hain aur isi bhav ko humko aage leke jana chahiye.